चैनल आज हम लेकर आए एक धमाकेदार एपिसोड में इंडिपेंडेंट हाउसेस। मैं अनुप सिंह आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर पश्चिमपुरी चौराहे पर गेट वन सोसाइटी में। आपको दिखा रहे हैं हाउस का एरिया लगभग 119 गज में 4 BHK मिल रहा है गाइस, काफी अच्छा है जो कि आपकी डिमांड है कि 4 BHK भी वीडियो डाली जाए, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 BHK मिल रहा है गाइस। यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम में ही आपको स्टेयर्स मिल जाती है और किचन भी काफी बड़ा दिया हुआ है जो कि मॉड्यूलर किचन है। चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आपको मिल रही मॉडल किचन, देखिए काफी बड़ी किचन है जो कि लोगों की डिमांड रहती है कि किचन छोटी ना हो बड़ी हो। तो देखिए हमने आपको ये हाउस में काफी बड़ी किचन दिखाई है और सामने आपको क्रॉस एंट्री से लेकर विंडो भी मिल रही है। विंडो में से आप बाहर का पार्किंग एरिया और गेट भी देख सकते हैं और काफी बड़ा मतलब देख सकते हैं। यहाँ पर मॉडुलर किचन मिल रही है, जस्ट सामने आपको देखिए रूम भी दोनों गेट मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर पूजा घर भी मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है देखिए यहाँ पर आपको पूजा घर भी मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर अपना मंदिर वगैरह टेंपल बना सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम, देखिए यहाँ पर टॉयलेट दोनों का अटैच है, दोनों का डोर जो है आपका बेडरूम का एक टॉयलेट में हो जाता है गाइस जो कि आपका वॉशिंग एरिया के साइड से है। देखिए यहाँ पर जो लग रही है फॉल सीलिंग भी काफी अच्छी डिजाइन की लग रही है गाइस। जैसा कि आपको पूरा लेआउट दिखा देते हैं एक तरीके से रूम का साइज, देखिए यहाँ से सामने से आप बाथरूम के लिए जा सकते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बने रहे मेरे साथ गाइस। और यहाँ पर आपको वार्डरोब वगैरह भी मिल जाती है जो कि आप देख रहे हैं काफी अच्छा मतलब उन्होंने बना रखा है। एक बार विजिट जरूर कीजिए, कॉल कीजिए और मुझसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस आपको वॉशिंग एरिया की तरफ बाथरूम भी दिखा देते हैं गाइस। यहाँ पर अभी काम चल रहा है जो कि अभी लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही है अभी, तो लाइट का फिटिंग चल रही है तो इसलिए बाथरूम में मैं लाइट नहीं दिखा पाऊंगा गाइस। तो आप देख सकते हैं ये है आपका सेकंड बेडरूम जो कि मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। ये आपको मिल जाता है यहाँ पर टॉयलेट जो कि वॉशिंग एरिया की साइड है, दोनों बेडरूम के लिए यहाँ पर आपको एक टॉयलेट मिल जाता है और जो कि मैंने आपको गेट से घुसते ही दिखाया था एक कॉमन टॉयलेट वहां भी था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट की अभी मतलब अभी काम चल रहा है जो कि नया हाउस है गाइस, तो जल्दी से जल्दी आके बुकिंग कराइए गाइस यहाँ पर। तो गाइस हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर सेकंड बेडरूम में, देख सकते हैं आप कि सेकंड बेडरूम भी काफी लग्जरी और यहां पर जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है काफी अच्छा अमेजिंग है, काफी अच्छी प्रॉपर लाइट आ रही है। यहां पर एक बार विजिट कीजिए और देख सकते हैं यहां पर आपको नीचे की तरफ भी टाइल्स वगैरह या ग्रेनाइट मिल रहा है। तो यहाँ से ही बेडरूम से आप जा सकते हैं बाथरूम में, दोनों जो बेडरूम है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ही टॉयलेट अटैच दिया हुआ है जो कि वॉशिंग एरिया में इधर से भी आ जाते हैं गाइस। तो यहाँ से भी देख सकते हैं काफी हाइट दी हुई है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ऊपर भी देखिए लोहे का जाल लगा हुआ है। तो दोनों बेडरूम का आपको यहाँ पर एक टॉयलेट मिल जाता है, एक कॉमन टॉयलेट आगे मिल जाता है। तो चलिए गाइस आपको ऊपर भी दिखा देते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। तो चलिए गाइस एक बार दिखाते हैं फिर पूरा लेआउट देखिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, देख सकते हैं यहाँ पर इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको कॉमन टॉयलेट बार मिल जाता है, एक बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है गाइस। देख सकते हैं यहाँ भी काफी अच्छा देखिए स्पेस दिया हुआ है और बालकनी भी आपकी काफी अच्छी दी हुई है। तो चलिए आपको 2 बेडरूम है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड आपको ये वाला बेडरूम दिखाते हैं, यहाँ पे अटैच टॉयलेट मिल जाता है गाइस। तो देखिए सामने टॉयलेट दिख रहा है, फॉल सीलिंग वगैरह भी काफी अच्छी लग रही है, यहाँ पर अभी लाइट प्रॉपर फिटिंग चल रही है गाइस। तो देख सकते हैं ये है आपका काफी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट बेडरूम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बाथरूम में लाइट नहीं है, आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा बाथरूम में अभी लाइट नहीं है मगर फिर भी आप जब आएंगे तो जब तक यहाँ लाइट फिटिंग हो चुकी है गाइस। तो चलिए आपको सेकंड वाला बेडरूम भी दिखा देते हैं और ये भी काफी स्पेस दिया हुआ है इस बेडरूम में भी, आप देख सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पर भी आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पर एक बाहर भी टॉयलेट दिया हुआ है, जस्ट आपको बेडरूम के बगल से ही ये टॉयलेट भी अवेलेबल है। यहाँ भी काफी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ भी वेस्टर्न सीट के साथ में मिल रहा है और टाइल्स वगैरह का भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। तो चलिए गाइस आपको अब सेकेंड बेडरूम दिखा देते हैं। यहाँ से हम पीछे जस्ट वॉशिंग एरिया में चले जाएंगे और स्टेयर्स भी उधर ही दिए हैं। देखिए यहाँ भी फॉल सीलिंग का डिजाइन चेंज किया गया है, काफी अच्छा है। स्पेस दिखाते हैं हम पूरे बेडरूम का, देखिए स्पेस भी काफी अच्छा है और फॉल सीलिंग भी अच्छी लग रही है, देखिए नीचे से काफी अच्छा है। और अब चलते हैं हम वॉशिंग एरिया में। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे वॉशिंग एरिया में, देख सकते हैं यहाँ भी काफी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ स्टेयर्स के लिए भी जगह दी हुई है और पीछे भी पार्ट मिल जाता है, यहाँ भी अपना सामान रख सकते हैं या स्टोर रूम बना सकते हैं। चलिए गाइस ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एसएस की रेलिंग और यहाँ ग्रेनाइट लगा हुआ है स्टेयर्स पे। सबसे अच्छी चीज होती है इंडिपेंडेंट हाउस की, यहाँ की आपको यहाँ अपनी छत मिल जाती है जो कि आपको फ्लैट में नहीं मिलती क्योंकि वहां पर बालकनी तक सीमित रह जाती है चीजें। तो गाइस अब आ जाते हैं 119 गज में पश्चिमपुरी के पास में, ये जो हाउस है आपको लगभग 82 लाख का पड़ेगा, लगभग 82 लाख का है ये गाइस। तो जल्दी से आकर एक बार विजिट कीजिए। और गाइस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ गाइस मैंने इसका अभी आपको बालकनी नहीं दिखाई है, तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं अभी इसका बालकनी दिखाऊंगा। बालकनी का जो मतलब एरिया है काफी दिया हुआ है, जिसमें आपको मतलब स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए, तो काफी अच्छी बालकनी दी हुई है। तो चलिए गाइस आपको बालकनी भी दिखा देते हैं एक बार। तो गाइस आपको यहाँ देखिए बालकनी में आ चुके हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट और एसएस की रेलिंग लगी हुई है, काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर एक ही है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के जमाने में आजकल सभी ऑनलाइन है, तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, इसी तरीके की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।